केआर के जिस निडरता के साथ बिना डरे अपने वीडियोस में बॉलीवुड की फिल्मों के रिव्यूज किया करते थे, और फिर अचानक से जिस तरह से वो एकदम से ही पीछे हट चुके हैं, रिव्यू करना ही नहीं चाहते, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ इसके पीछे बहुत बड़ी ऐसी चीज चल रही है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। केआर के कभी ये कहते हैं कि अब वो फिल्मों का रिव्यू नहीं करेंगे, कभी ये कहते हैं कि वो राजनीति को ज्वाइन करने वाले हैं, तो तरह तरह की चीजें सामने आ रही है। कभी ये भी कहते हैं कि ना करण जौहर, ना आमिर खान, ना शाहरुख खान, ना अक्षय कुमार, बॉलीवुड से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरे ऊपर केस किया था जिसके चलते मैं जेल गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड वाले नहीं चाहते कि मैं फिल्मों का रिव्यू करूं, बॉलीवुड वाले मेरे ऊपर कई तरह के केस कर रहे हैं जिसके चलते मुझे इससे दूरी बनानी पड़ी है। तो सच क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इसके पीछे राजनीति जरूर कुछ न कुछ तो है। हो सकता है कि केआरके का ये कोई नया तरीका हो जिसमें बॉलीवुड के ऊपर अलग तरीके से हमला किया जा सके, बॉलीवुड को और भी ज्यादा विलेन बना दिया जाए। इसी बीच केआरके ने एक और ट्वीट, और ये ट्वीट सुनकर बहुत सारे लोग असमंजस में हैं कि आखिर केआरके कहना क्या चाहते हैं। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे पास सिर्फ दो ही चॉइस बची थी, या तो मैं मुंबई में हमेशा के लिए रहूं, या फिर मुंबई छोड़कर चला जाऊं, या फिर मैं फिल्मों के रिव्यू करना छोड़ दूं। तो मैंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना कि मैं फिल्मों के रिव्यू करना ही छोड़ देता हूं, क्योंकि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि मैं फिल्मों के रिव्यू कर सकूं, उनकी पॉलिटिकल पहुंच जो है वो बहुत ज्यादा है और मेरे ऊपर लगातार कई तरह के केस हो रहे हैं जिसके चलते मुझे अब फिल्मों के रिव्यू करना छोड़ना होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान ने फिल्मों के रिव्यू के लिए बकायदा अमिताभ बच्चन के हाथों केआरके बॉक्स ऑफिस को लॉन्च करवाया हो, इनके ऊपर जो बुक लिखी जा चुकी है उसे लॉन्च करवाया हो, रिव्यू वगैरह दुनिया भर की चीजें हो, और कोई इंसान अपना बिजनेस इस तरह से छोड़ सकता है क्या? ये बहुत ही असंभव सी चीज लगती है। बात यह भी है कि केआरके इतने साल से दुबई में थे तो फिर वो मुंबई क्यों आ रहे हैं? ये भी कहा गया कि वो मुंबई छोड़ चुके हैं। केआरके ने ये भी कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम बन जाते हैं तो वो हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। फिर ये कहा कि अगर इस बार 2022 में योगी जी सीएम बन जाते हैं तो मैं इंडिया कभी नहीं लौटूंगा। तो केआरके ये सारी चीजें जो बोलते हैं वो उसके उलट ही करते हैं, वो फिर से इंडिया आए, उन्हें इंडिया आना ही नहीं चाहिए था। अब देखते हैं कि आगे वो क्या करते हैं। देखो, राजनीति में अगर एंट्री कर चुके हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह की राजनीति की उनकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसी राजनीति जो पिछले एक महीने से केआरके ने आप कह सकते हैं कि मीडिया वालों को उलझा कर रखा हुआ है, एक अलग ही तरह का माहौल वो लेकर चल रहे हैं जो सस्पेंस से भरा हुआ है।